नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कविता दास रेसिपी। आज हम बनाने वाले ड्राई फ्रूट्स की मिल्क शेक रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। आप इसको ना कोई भी व्रत वगैरह या फिर रमजान में इसको ले सकते हैं। ठंडाई तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और इसको ना बच्चों से लेकर बड़ों सबको पसंद आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रेसिपी दोस्तों। मैं इधर जो जो ड्राई फ्रूट्स लिया हूँ ना, आपके पास अगर है तो लीजिए, नहीं तो कुछ भी आपके हिसाब से जो ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर बादाम, काजू और पिस्ता ले लिया हूँ। और इसके बाद मैं दूध 1/4 कप ले लिया हूँ, ये ठंडा दूध है रूम टेम्परेचर में। थोड़ा सा मैं केसर डाल दिया हूँ और उसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ना ढक्कन लगा के आप 20 से 25 मिनट तक इसको भिगा सकते हैं, या फिर ओवरनाइट भिगा सकते हैं, या फिर आधा घंटे से पहले बाद भी इसको निकाल सकते हैं। अगर जल्दी चाहते हैं तो आप गर्म दूध डालिए और 10 मिनट में वो भीग जाएगा। तो अभी मेरा 20 से 25 मिनट हो गया है, तो मैं इधर चेक कर लूँगी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भीग गया है। और जो केसर डाले थे ना, उसका भी बहुत ही अच्छी से कलर भी आ गई है दोस्तों। इधर मैं एक बड़ा मिक्सर जार ले लिया हूँ और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स, दूध वगैरह जितना भी है सारे डाल दूँगी। और इधर मैं 1 कप मिल्क लिया हूँ, वो भी पूरा ठंडा है। अगर आप इधर आइस क्यूब डालना चाहते हो तो भी डाल सकते हो। तो इधर 2 चम्मच में शक्कर लिया हूँ, अगर व्रत में अगर शक्कर लेते हैं तो आप लीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए। तो इसको अच्छे से पीस लीजिए। और पीसने के बाद यार ये देखिए, तो एक ग्लास ले लिया हूँ मैं, ग्लास में जितना मिल सके उसमें वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये ना बहुत ही हेल्दी है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। कल महाशिवरात्रि है, आप अगर इसको एक बार ले लीजिएगा ना, तो दिन भर का आपका थकान ही नहीं मालूम पड़ेगा। और कोई भी व्रत वगैरह है या फिर आप डाइट कर रहे हैं ना, इसको अगर एक ग्लास आप लीजिएगा ना, तो दिन भर का थकान आपको नहीं मालूम पड़ेगा या फिर भूख नहीं मालूम पड़ेगा। रमज़ान में भी इसको आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लिया हूँ, थोड़ा सा बादाम काट के ऊपर से डाल दूँगी और थोड़ा सा केसर भी अभी डाल देंगे। और ये देखिए, ऊपर से ऐसे केसर थोड़ा सा डालिए, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए। जो ऐसी भी आप ले सकते हैं, मैं जितना अभी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डाल रहा हूँ ना, तो आप स्किप कीजिएगा, इससे ही आप दीजिएगा। तो थोड़ा सा ये मेरे पास चेरी था, उसको भी ऊपर से ऐसे डाल देंगे, बहुत ही अच्छी कलर भी, बहुत ही टेस्टी लगती है चेरी। अगर आप चेरी लेते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता छोटा छोटा पीस करके डाल दिया हूँ। वाह, ये देखिए दोस्तों, इसको ना बड़ों से लेके बच्चों को बहुत पसंद आएगा दोस्तों। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, व्रत वगैरह या फिर कोई भी त्यौहार है या फिर कोई भी मेहमान आया है ना आपके घर पे, तो आप इसको उनको बना के दे सकते हैं, आप ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, आगे जो भी मैंने अभी वीडियो डालूँगी नोटिफिकेशन पहले आपको आ जाएगी। और जो भी इंग्रेडिएंट्स लिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से चेक कर लीजिएगा। तो बाय बाय।